ओलंपिक के विमेंस जेवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल जीतने वाली पोलैंड की मारिया मग्दलेना ने अपना सिल्वर मेडल 92 लाख रुपए में बेच दिया। पर क्यों उन्होंने ऐसा क्यों किया, उसका रीजन जान के आप लोगों को भी बहुत ज्यादा प्राउड फील होगा। पोलैंड की मारिया ने अपनी जिंदगी भर की कमाई, वो ओलंपिक का सिल्वर मेडल इसलिए नीलाम कर दिया कि उन्हें 8 महीने के एक बच्चे की हार्ट सर्जरी के लिए पैसा डोनेट करना था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि उस कंपनी ने वो सिल्वर मेडल अपने पास रखा ही नहीं, बल्कि मारिया को ही सिल्वर मेडल की देखरेख करने को कहा। बहुत बड़ी मिसाल मारिया ने और उस कंपनी ने पेश की है। आजकल के इंडियन यूथ को यह लगता है कि इंडिया ने आखिर टेक्नोलॉजी में दिया ही क्या है, तो थांबा, सबसे पहले है यूएसबी, जिसकी फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। अब इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था अजय भट्ट ने, जो कि एक इंडियन अमेरिकन कंप्यूटर आर्किटेक्ट है। दूसरा है फाइबर ऑप्टिक्स, जिसके बिना इंटरनेट काम नहीं कर सकता। इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था नरेंद्र सिंह कपानी ने, जिन्हें फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स भी कहते हैं। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट है वायरलेस कम्युनिकेशन, जिसके बिना आपका मोबाइल, टीवी या वाईफाई काम ही नहीं कर सकता। और इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था जगदीश चंद्र बोस ने। गाइस, इंटरनेट की दुनिया भी इंडियंस के दिमाग के बिना काम नहीं कर सकती। अगर किसी को कोई चीज फ्री में या किस्मत से या बिना मेहनत के मिल जाती है, तो वो उसकी वैल्यू नहीं करता, बाद में वो उसे गवा देता है और फिर पछताता है। उसी में से एक चीज है पैसा, जिसे अगर आप मेहनत से कमाओगे तभी आप उसकी कीमत समझ पाओगे। एक्चुअली हुआ कुछ यूं कि सन 2002 में एक 19 साल के कूड़ा उठाने वाले लड़के की 80 करोड़ रुपयों की लॉटरी लग गई। अब किस्मत तो खुल गई थी, लेकिन वो इन पैसों को संभाल नहीं पाया, उसकी कीमत को समझ नहीं पाया, और उसने ये सारा पैसा जुए में, नशे में और ऐशो आराम में गवा दिया। और बाद में वही लड़का फिर से कूड़ा उठाने लगा। अब यहां पर सीखने लायक बात क्या है जानते हैं? यहां पर सीखने लायक बात यह है कि पैसा आना इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसे को संभालना और उसे बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको यह सलाह कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको स्वस्थ और लंबा जीवन जीना है, तो उसके लिए तिब्बतियों की सुनिए। तिब्बतियों के अनुसार अगर आपको हेल्दी और लॉन्ग लाइफ चाहिए, तो उसके लिए आपको दिन भर में जितनी जरूरत हो उसका सिर्फ आधा ही खाना चाहिए। खाना खाने के बाद आपको दुगना यानी कि डबल घूमना चाहिए। पूरे दिन भर में 3 गुना हंसना चाहिए और हमेशा खुश रहना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, दुनिया में हर किसी से अनगिनत प्यार करना चाहिए। अगर आप ये सारे काम करते हो तो आप हमेशा खुश रहोगे और लंबा जीवन जी। गाइस, तिब्बतियों की कहावत कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। आपने अपनी जिंदगी में अभी तक कितने पौधे लगाए हैं, 1, 2, 5 या 10? लेकिन तेलंगाना के दरीपली रमैया जी ने अपनी जिंदगी में अभी तक 1 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए हैं। जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं, उनमें पौधे लगाने की लगन इतनी ज्यादा थी कि इसके लिए उन्होंने अपनी 3 एकड़ की जमीन तक बेच दी थी। पहले उन्हें पागल कहते थे, लेकिन आज उन्हें लोग सम्मान से द ट्री मैन कहते हैं, और इसी वजह से सरकार ने उन्हें पद्मश्री से भी नवाजा है। गाइस, आपको दरीपली जी के बारे में सुनकर कैसा लगा?